मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएससी में तैनात कर्मचारी का बेटा लापता हो गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर में दुकान से कॉफी खरीदने के लिए गया था, हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी में बच्चे को बाजार जाते हुए भी देखा है, लेकिन अभी तक परिवार वालों से फिरौती की मांग भी नहीं की गई है। महानगर थाना क्षेत्र की पेपर मिल कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह बच्चा लापता हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी पहुंचा रहे आप तक। पीएससी में तैनात कर्मचारी का बेटा लापता हो गया है, हालांकि दोपहर में दुकान से कॉफी खरीदने के लिए ये बच्चा गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, ये मामला क्या है? जानकारी ये सामने आ रही है कि बच्चा लापता हुआ है और पुलिस ने सीसीटीवी में देखा भी है बच्चे को बाजार जाते हुए। फिलहाल क्या अभी तक कोई पता चल पाया बच्चे का? पीएससी की उसमें एक चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो तैनात है। उनका जो बेटा है 12 साल का, वो कल जो है कॉपी किताब खरीदने के लिए निकला हुआ था पेपर मिल कॉलोनी के पास निषादगंज में, लेकिन जिस तरीके से वो घर लौट रहा था उसके बाद से वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ है। पिता लगातार उसको ढूंढा है, ढूंढने के बाद जब नहीं मिला है तो वो पुलिस में FIR कराई है। पुलिस ने 363 दर्ज कर लिया है उसमें, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी तक उसका कोई जानकारी नहीं लगी है। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए, जो थाना अध्यक्ष है, तो थाना अध्यक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से बेटा लापता हुआ है, कोई अभी कॉल नहीं आई है, तो उनका ये कहना है कि बेटा जिस तरीके से गायब है, कोई अभी फिरौती की कॉल नहीं आई है, कोई अभी डिमांड नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं एक तो ये भी कहा जा सकता है कि जो पुलिस है उसको तलाश कर रही है और लापरवाही भी कुछ ना कुछ देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से ढूंढा जा रहा है उसमें देर रात जो ADCP है राजेश श्रीवास्तव, उनका बयान आया है, उनका भी कहना है कि पुलिस टीमें लगाई गई है, पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही उसको ढूंढने का भी दावा कर रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जो थाना अध्यक्ष है उनका जो कहना था कि जो अभी तक फिरौती की कॉल नहीं आई है, तो क्या वो फिरौती की कॉल आने की का इंतजार कर रहे हैं? तो अगर इस तरीके का इंतजार किया जा रहा है तो ये एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन मोहम्मद कलीम, परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? क्या किसी तरह की कोई आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है, क्या वहाँ पर नजर आ रहा है स्थिति में देखते हुए? देखिए, अभी इस विषय पर कहना कुछ भी संभव नहीं होगा, क्योंकि परिजन अभी सामना नहीं किए हैं, क्योंकि परिजन परेशान है, वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं लगातार अपने परिवार के साथ मिलकर के, लेकिन वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। फिलहाल जिस तरीके से FIR हुई है और बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है, साइकिल भी उसकी नहीं मिली है, तो आखिर क्या कारण है ये मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कब से लापता बताया जा रहा है ये बच्चा? ये जो है बुधवार की दोपहर 12 बजे से बच्चा गायब है और ये देर रात तक घर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद जब पिता घर पहुंचे हैं, जब मालूम चला कि बेटा नहीं आया है, तो वो लगातार क्षेत्र में घूमे हैं, जो घूमने के साथ साथ जो उनके रिश्तेदार थे वहां पर पूछताछ की गई, लेकिन जब वो नहीं मिला है तब उन्होंने थाने जाकर के एक FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आई है।